अभी मानते हैं कनाडा से पैसा आ रहा है। हाँ नहीं तो आ रहा है तो इसको तोड़ा किसान देश नहीं टूट रहा है। आपको अलग देश खालिस्तान बनाएंगे। कोई नहीं टूट रहा है आप खालिस्तान देश कोई नहीं टूट रहा है देश कोई नहीं टूट रहा है। पन्नू वहाँ से क्या साजिश रच रहा है आपको बताओ ना। ये सब बीजेपी वालों का षड्यंत्र है। देश कहीं नहीं टूट रहा है। चौका किसान थोड़ा और आतंकवादी ज्यादा। आतंकवादी? हाँ वहाँ तो किसान पहुंचे। किसान ने पूछा तलवार दिखा रहे रात में कर करके किसान तलवार लेके जाया करें। किसान है ही ना वहाँ। किसान है तो पे काम तो फुर्सत नहीं भर रही। अब किसान तो पे खेत में लग रहे हो। और इनका वेशभूषा भी आप देख सकते हैं। ये कुर्ता आप ये रेंज रोवर वाले किसान नहीं है ये जो झंडा लगा करके रेंज रोवर लेकर के वहाँ पे पहुंचे। किसान पे तो अपना ट्रैक्टर ही भारी पड़ जाता है। और ये गाड़ी तो नाम ही आज हम तो तुम पे थे सुनने। वहाँ तो कह रहे कि हम तो मोदी योगी को हटा देंगे तब तक आंदोलन में। अरे देखो वो हमें घी सरकार चाहिए। घी सरकार चाहिए। घी सरकार चाहिए। किसान तो कह रहे कि बदल दो अबकी बार। मैं जाटू ही हूँ घांगोरी गांव को लेकिन हमें घी चाहिए सरकार। बाबू क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल है। तो आप भी किसान ही है ना? हाँ किसान है। बढ़िया। जाट नहीं है? जाट। पक्के वाले? पक्के। नकली तो नहीं है? अरे नकली कैसे है? पक्के है बिल्कुल भाई साहब। तो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी योगी को हटा दो। मोदी आवे को मोदी तो बढ़िया है। कौन किसान वाकई दिल्ली में है या फिर अपने काम में है वो हम चर्चा करेंगे। तमाम लोग हैं और किसान यूनियन से भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम रवि करण। तो आप कैसे देखते हैं वहाँ आंदोलन चल रहा है। 27 पुलिस कर्मियों को भी जख्मी कर दिया है। कह रहे हैं कि मोदी योगी को हटा देंगे अब की बार। अच्छा मोदी योगी तो कुछ ऐसे हटने वाले नहीं है, है ना। तो किसानों का काम है सरकार को इसमें थोड़ा विचार करके। ये छोटी बीमारी है और बड़ी बना रखी है लोगों ने वहाँ। चौका किसान थोड़ा और आतंकवादी ज्यादा। आतंकवादी? हाँ वहाँ तो किसान पहुंचे। किसान ने पूछा तलवार दिखा रहे रात में कर करके किसान तलवार लेके जाया करें। ये तो आतंकवाद है देश के ऊपर के। कोई किसान ना किसान अपनी मांग मांगो सरकार वहाँ विचार करेगी। योगी मोदी का आठवां मतलब है तो राजनीतिक मसला है। किसान बड़े हुआ तो चल रहे हैं थोड़ी कोई गिराग तो पंजाब को आजाद कराएंगे खालिस्तान बनाएंगे। पंजाब तो कनाडा ताई थे वो कर रहो। पंजाब तो डोली रो बहुत दिन आते काम के लिए। पंजाब तो एवन नहीं बेरो और यहाँ के आदमी तो चूतिया बनाए जा रहे हैं कोरे। कितने किसान हैं यहाँ के यूपी के वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रैक्टर ट्रॉली माल ले लेके यहाँ कहाँ। यहाँ तो एक दिन न रुकेगी जनता यहाँ के किसान पे। तो है किसी पे डिफेंडर और रेंज रोवर गाड़ी किसानों पे ओपन है। यहाँ का ओपन है तो झंडा लगा करके आंदोलन में। मैंने कह रहा हूँ पूरा आतंकवाद है थोड़ी। मैं रोज देख रहा हूँ टीवी में। तो क्या लग रहा है यहाँ का किसान कैसे सोच रहा है? लग रहा है कि यहाँ का किसान पशुओं से परेशान है। सरकार है विचार करना चाहिए और MSP पर अनाज पाएंगे की व्यवस्था सही बिकाव की होनी चाहिए। और किसान बढ़िया मोदी योगी को कोई परेशानी नहीं है। हमको मोदी योगी से कोई दिक्कत नहीं है। उनसे कह रहे हैं हटा देंगे अब की बात। हाँ जी बढ़िया ना हटना है कोई ना। राहुल गांधी भी पहुंच रहे अब तो आंदोलन। राहुल गांधी अब तो आंदोलन जब तो राजनीतिक आंदोलन नहीं है। जबकि तुम तो सल नहीं पड़ी तो यार कर बैठे हैं आगे। तो बाबूजी क्या नाम है आपका? बाल किशन। तो आप कैसे देख रहे हैं? आप भी किसान ही लग रहे हैं मुझे तो। पूरा भी खेती से आ रहे हैं। किसान है ये खेती पे भाई साहब। आप कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा ये हटाइए। ये कुर्ता है ये आप देख सकते हैं। ये कुर्ता है ये किसान है। ये रेंज रोवर वाले किसान नहीं है जो झंडा लगा करके वो आंदोलन कर रहे हैं। बाबूजी आपके पास कौन सी गाड़ी है? कोई गाड़ी ना है। हाँ तो आंदोलन कर रहे हैं रेंज रोवर और डिफेंडर गाड़ी लेके बड़ी बड़ी करोड़ों की। किसान है ही ना वो। किसान है तो काम तो फुर्सत नहीं भर रही है। किसान तो पर खेत में लग रहे हो। ये सब षड्यंत्र है। षड्यंत्र है कैसे दिखाई दे रहा है षड्यंत्र? ये चुनाव के वो आपके षड्यंत्र चल रहे हो। कह रहे मोदी योगी को हटा देंगे अब की बार। राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। वो जनता के चुने भाई वो कैसे हटा देंगे? आप भी चाहते हैं कि मोदी योगी रहे कि या हट जाए? हम चाहते हैं मोदी योगी रहे। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये किसान है खेत से काम करके आ रहे हैं अभी। और इनका वेशभूषा भी आप देख सकते हैं। ये कुर्ता आप ये रेंज रोवर वाले किसान नहीं है ये जो झंडा लगा करके रेंज रोवर लेकर के वहां पे पहुंचे। क्यों बाबू सही बात नहीं है? देखो फर्स्ट में तो मैं थोड़ी भूल हो गई। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप किसानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुँचाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ तो किसान पे तो अपना ट्रैक्टर ही भारी पड़ जाता है। और ये गाड़ी तो नाम ही आज हम तो तुम पे थे सुनने। फोटो वायरल हो रहा है इतना बड़ा जो आपने कही है। मर्सिडीज बेंज जो 2 करोड़ की गाड़ी है उसमें चाय पी जा रही है अखबार पढ़ रहे बैठ के। लेकिन सरकार ने किसानों की अनसुनी जरूर की है। बात माननी चाहिए किसान की। जो किसानों की समस्या है उसको सुनना चाहिए। पर आतंकवादी और इस तरीके का तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों अनसुनी करिए जब प्रधानमंत्री ने माफी मांगी 3 जो काले कानून है। लेकिन किसानों के लिए उससे फायदा क्या हुआ? स्वामीनाथन आयोग लागू करते MSP पर
अपना मूल रखते। अभी बैठ के उस पर अभी चर्चा चल रही है। बाबूजी क्या नाम है आपका? भैया मैं तो ने पढ़ा दूं, मैं किसान तो है। कितना खेत है? नाम बताओ। नाम वो मीर है। तो कितना खेत है? खेत मोबत बहुत थोड़ा सा है, दो चार। हां दो चार बीघे। कहां बो रखे हो? गेहूं बे रखे। हां तो बढ़िया चल रही है ना? बढ़िया चल रही है। आंदोलन में जा रहे हो? नहीं जा रहे? ना जा रही भैया, हम खेत को रखा रोज खा जाएंगे। हां पर रोज खा जाएंगे, खा जाएंगे। मैं खेत को रखा को हमने को नहीं जा रहे। ना वहाँ तो कह रहे कि हम तो मोदी योगी को हटा देंगे, तब तक आंदोलन में रहे। अरे ने कहो वो गुई जाएंगे, गुई जाएंगे, मोदी आवे को। अच्छा, हाँ जी आएगा तो मोदी ही। हाँ। देखो किसान जी रहे हो, सब काम कर रहे हो, और हम स्वच्छता विभाग में आज हम पूरी रात सो में। हाँ। फटकार के फटकार सोने पर पूरी रात, और हमें कोई धमका नहीं आया चोर चंगोरा काव को। हमारे भाई बहन सब सुरक्षित हैं। हमें घी सरकार चाहिए, हमें तो घी सरकार चाहिए। किसान तो कह रहे हैं कि बदल दो अब की बार। मैं जाटू ही हूँ, घांगोरी गांव को, लेकिन हमें घी चाहिए सरकार। कह रहे जाटों से तो मोदी नाराज हो रखे। ये सब भारत रत्न दियो चोई साहब, भारत रत्न दिया है चोई साहब को, दिया है नहीं दिया बताइए। और देखो सम्मान कर रहे हो, और प्रतिमा को अनावरण हो गो, और काची साहब तो जाट मोदी के साथ हो गए, भारत रत्न दे सब पहलू वाई के साथ है, वहाँ के साथ पहले सम्मान दो आ रही। मेरी सम्मान मेरी बहू को आ रही, मेरे को आ रही है, बहन हमारी हो बहू नाम करवा दियो। और खुश हैं आप सम्मान निधि से? हाँ जी खुश हैं साहब। कह रहे छोटे से पैसे 2000 से क्या हो रहा है? बहुत बड़ी राहत है साहब, बहुत बड़ी राहत है। 6 और 6 12 आ जाए दो उनके, और 12 थे ट्रैक्टर काम चल, जुताई काम चल जाए। हाँ जी मतलब खुश है, खुश है जी। कह रहे हैं कि वो आंदोलनकार आंदोलन जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनको हटा दो। अरे वो तो वो कुछ ना कह रहे, वो यही के वोट देंगे मोदी के, झूठे कह रहे हैं। बाबू क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल है। तो आप भी किसान ही है ना? हाँ किसान है। बढ़िया। जाट नहीं है? जाट पक्के वाले, पक्के नकली तो नहीं है? अरे नकली कैसे है, पक्के है बिल्कुल भाई साहब। तो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी योगी को हटा दो। मोदी आवे को, मोदी तो बढ़िया है कौन? मोदी है सबसे बढ़िया। कह रहे मोदी से तो नाराज बैठे जाट। अरे कोई जाट नाराज हो, अब हमारे जाट को मुखिया आएगा मोदी में। अब का आरएलडी वाले जाट है और क्या, आरएलडी वाले ही हम, इसीलिए खुश है। क्या मुखिया आ गया तो खुश है? बस खुश है हम तो। भारत रत्न दे दिया प्रधान चरण सिंह जी को। हाँ बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह। कौन सी किसान यूनियन है आपकी? टिकैत साहब बारी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। अच्छा अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? आपको तो वहाँ होना चाहिए आंदोलन में, आप तो यहाँ खेती किसानी में लगे हुए हैं। नहीं आंदोलन देखो कोई भी गुट करे, हमारे 40-42 गुट बन चुके हैं। हाँ। कोई भी गुट करे, लेकिन हमारा उग्रवाद पने का कोई आंदोलन नहीं मानते हैं हम। गांधीवादी आंदोलन होता है, और सरकार से अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार के लिए रखते हैं, सरकार उन्हें मंजूर करे। और किसानों तो की आंदोलन में कह रहे हैं कि हमें तो पंजाब है वो आजाद चाहिए, आजाद पंजाब चाहिए, इस तरह का आंदोलन हो। देश तो आजाद बहुत दिन का हो चुका है, ये पंजाब आजाद, पंजाब कहाँ से कैद रह गया? कह रहे हैं खालिस्तान बनना चाहिए। नहीं कोई खालिस्तान नहीं, पंजाब पंजाब ही रहेगा, खालिस्तान किस लिए? ये तो गलत है मांग। आप भी मानते हैं कि वो वाकई किसान है वहाँ पे जो आज इकट्ठे हो रखे हैं? नहीं किसान है मैं मानता हूँ, जो किसानों की मांग स्वामीनाथन आयोग चालू होना चाहिए, और ये MSP पर जो बात चल रही है सरकार से, ये भी हमारी किसानों की मांग है। ये किसानों की मांग जो जितनी भी है सरकार उन्हें पूर्ति करे। और ये खालिस्तान वाली बात हमारी समझ में नहीं आती है, पंजाब तो आज़ाद हो चुका है, देश आज़ाद हो गया, पंजाब गुलाम कहाँ से रह गया? कोई गुलाम नहीं है, सब आज़ाद हैं। किसान अपनी मांगे रखें, न किसी शासन प्रशासन से टकराने का काम करें। आपको देख रहे होंगे हरियाणा पुलिस के सामने पूरा चुनौती है कि वो दिल्ली में अंदर ना जाएं, और वो उनको उनके ऊपर ट्रैक्टर भी चढ़ा दे रहे हैं। देखो किसानों को इस तरह से रोकना प्रशासन का भी गलत काम है। जब हम किसी के पास रोकेंगे तो ट्रैक्टर चढ़ा देंगे? नहीं किसी के पास मांग मांगने जाते हैं हम, सरकार तो कह रही बैठ के बात करें, टेबल पे बैठे बात करें, वहां तक पहुंचने दें, या वहाँ फिर सरकार के कोई नुमाइंदा अधिकारी हमारे पास आए, वहाँ बातचीत करें। तो ट्रैक्टर चढ़ाना और ये तो देखो प्रशासन के लिए सब अपने ही भाई बंदे, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, किसान और जवान दो ही हैं इस देश में। बेटे तो आपके ही लग रहे हैं ना पुलिस में, किसानों के ही बेटे हैं, उन्हीं के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे? वही तो कह रहे हैं कि हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं,
और हमारे बुजुर्ग भी हैं। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मोदी योगी नहीं हट जाएंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये गलत है। योगी मोदी हटाने का कोई एक आदमी के हाथ में काम नहीं है। योगी जी मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता उन्हें वोट दे रही है। राहुल गांधी है न्याय यात्रा छोड़ करके किसानों में बीच में शामिल होने वाले हैं। वो तो एक अग्नि में घी डालने का काम कुछ लोग करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। सरकार से मांग रखो, सरकार पे मांग मांगो अपनी। और लगता है ये आंदोलन है फिर किसानों का वास्तविक आंदोलन है, लेकिन इसको दूसरा रूप कुछ लोगों ने दे रखा है। राहुल गांधी बोल रहे अब तो राजनीति हो जाएगी फिर, वो ये एक अलग बात है। देखो आंदोलन वाली बात ये है कि किसान आंदोलन लेकर जाते ही कुछ तत्व ऐसे मिल जाते हैं वहां जाकर के कि वो उसे खराब करने का प्रयास करते हैं। तो आपका निर्णय क्या रहेगा, राकेश टिकैत साहब का क्या मतलब है? अब देखो अभी टिकैत साहब का कोई आह्वान नहीं हुआ है हमारे पास अभी, तो कोई आंदोलन से दूर है ना वो, तो अभी आंदोलन से दूर हैं, लेकिन वो बातचीत चल रही है उनकी। जिस टाइम आंदोलन के लिए वो आह्वान करेंगे हम यहाँ से सभी तैयारी करके जाएंगे। पर आप लड़ोगे तो नहीं ना पुलिस से? हम प्रशासन से किस लिए लड़ेंगे, वो भी हमारे तो पहले की तरह लाल किले पे फिर चढ़ जाए। भाई हैं बेटे, देखो लाल किले पे चढ़ने वाले वो अन्य लोग थे, हमारे नहीं थे, न किसी आंदोलन के थे। वो दूसरी साजिश थी, सरकार ने वो भी देख लिया है कि कौन कहां से आया, कहां चढ़े, क्या हुआ। ये हमारे जो है किसान आंदोलन बारे वहां नहीं गई। आपने वो तो सुना ही होगा, मोदी जी ने हाथ जोड़ करके किसानों से माफी मांगी थी, मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, फिर भी दोबारा आंदोलन की क्या जरूरत पड़ी? नहीं आंदोलन की देखो ना तो स्वामी नाथन आयोग उन्होंने कानून लागू किया, ना MSP किसानों के लिए दी, तो इसलिए किसान तो अपनी बात रखता है सरकार के सामने, और सरकार के सामने किसान नहीं रखेगा तो किसके पास रखेगा। तो ये किसान यूनियन के लोग हैं, राकेश टिकैत साहब के साथ हैं और बाकी किसान भी यहाँ पे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह नाम है मेरा। कितनी खेती रही होगी अपने पास? हमारे पास तो 8-7 बीघा खेती है। क्या बो रखा है? गेहूं, ला, सरसों। हाँ तो सरसों तो कटाई चल रही होगी। हाँ तो आप तो आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे फिर? आंदोलन में जाएंगे, हमारे पास अभी तो किसानों के पास काम चल रहा है ना, तो किसान काम को देखेंगे पहले, आंदोलन में भी जाएंगे। किसान तो वहाँ पहुँच गए, कह रहे मोदी योगी को हटाएंगे, तो पहुँच गए तो वो हैं अभी, जब जैसे फ्री काम होगा 2-4 दिन में हम भी जाएंगे। कह रहे मोदी योगी को हटाएंगे जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये मोदी योगी को हटाने की बात अलग है, वो हटाएंगे। आप भी चाहते हैं मोदी योगी हटने? हाँ हम भी चाहते हैं हटे भाई, किसी के ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाही थोड़ा ही चलती है। तानाशाही कौन कर रहा है? योगी और मोदी कर रहे हैं। और कौन से कैसे इस तरह से किसानों की कोई मांग नहीं सुन रहे? तो रहे उन्होंने पहले तो माफी मांगी सभी किसानों से। मांगने से किसानों की मांग पूरी हो गई क्या? माफी मांगने से किसानों की मांग पूरी हो गई? जो 3 कानून लागू किए थे उन पर माफी मांगी थी और फिर उससे बोला था ना कि मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, मैं माफी मांगता हूँ। समझा नहीं पाए तो किसान भाइयों को तो क्यों, किसान भाइयों की मांग क्या है उसे तो पूरा करो। तो रहे वो मंत्री ने कह दिया, अर्जुन जी ने कह रहे कि आ जाओ टेबल पे बैठ के बात कर लेते, बात भी नहीं कर ले। तो पहले भी हो गई थी, उन पर उन बातों का क्या हुआ? जो पहले बात हुई थी उनका क्या हुआ? उन बातों पर तो अमल हो पहले, आगे की बात तो तब होंगी ना। पहले तो जो बात पहले हुई थी उन पर अमल हो। क्या चाहिए आखिरकार सरकार से? क्या MSP स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और ये जो पशु डोलने का खेत है खागे सबर, ये आगे समझे में समस्या तो बड़ी है। हाँ बड़ी है, जब साल भर मेहनत करे किसान आगे समझे में, गौशाला खोल रही है सबरे धने खागे सरकार पैते और गाय डोल रही है छुट्टी। ये बताओ कि तो यहाँ के जाट आप भी जाटी होंगे? हाँ जाटी हूँ जाटी। सारे जाट तो कह रहे कि हम तो आंदोलन में जा नहीं रहे, हमारी बात तो सुनी जा रही है, जैन चौधरी RLD जो है वो भाजपा में शामिल हो। वो अलग मसला है, जैन चौधरी का समर्थक मुझसे ज्यादा कोई नहीं है यहाँ। यहाँ जितने भी खड़े हैं इनमें से पूछ लीजिए, जैन चौधरी का जितना समर्थक मैं हूँ मुझसे ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन मैं गलत का विरोध करूंगा। तो जैन का निर्णय कैसा है? सुनिए गलत ये है जो है, कह रहे हैं कि खुश हैं किसान, कोई किसान खुश नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए। आंदोलन में रेंज रोवर खड़ी है, आंदोलन में रेंज रोवर खड़ी है आपके पास है। हमें किसानों को उनका शुक्रिया करना चाहिए कि कोई हस्ती हमारा समर्थन कर रही है, हमें ताकत दे रही है, हमें धन दे रही है। एक गरीब किसान क्या आंदोलन खड़ा कर सकता है? ये बिना पैसे के कैसे खड़ा हो जाएगा? अभी मानते हैं कनाडा से पैसा? हाँ आने तो आ रहा है, तो
देश को तोड़ा किसान, देश नहीं टूट रहा है, आपको अलग देश खालिस्तान बनाएंगे, कोई नहीं टूट रहा है आप खालिस्तान, देश कोई नहीं टूट रहा है, देश कोई नहीं टूट रहा है। पन्नू वहाँ से क्या साजिश रच रहा है आपको पता होना चाहिए, ये सब बीजेपी वालों का षड्यंत्र है, देश कहीं नहीं टूट रहा है। पंजाब आ जा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। ये पंजाब आ जा चाहिए, वो कह रहे दाढ़ी वाले, ये मीडिया की प्रोपेगंडा है, मीडिया का है। आपकी तो बात सुनी जा रही है ना मीडिया में? हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है, लेकिन मेरी बात तो आप भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि खालिस्तान चाहिए, पंजाब आ जाती है, लेकिन मीडिया जो कट करके जो चलाती है वही चलाती है। आप कैसे देखते हैं, इन्होंने तो कह दिया था। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जो हमारे किसान मसीहा थे स्वर्गीय चरण सिंह जी, वो सबसे बड़े किसान और किसानों के रखवाले माने जाते थे। उनको भारत रत्न देके मोदी सरकार ने सभी का दिल जीत लिया, जितने भी किसान हैं। कुल मिला के ये यहाँ के जितने भी लोकल किसान हैं, उन्हें समस्या केवल हमारे यहाँ के किसानों को सिर्फ एक है, आवारा पशुओं की। उनको एमएसपी की समस्या नहीं, भाई साहब ने तो कह दिया एमएसपी लगभग सभी किसानों को उचित रेट पर यहाँ फसल जो है बिकती है उनकी। आपको नहीं लगता किसानों की पेंशन भी बननी चाहिए? लेकिन हम जल्दबाजी में यहाँ नोकल आड़तियों को फसल दे देते हैं। ये बताओ, पेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए किसानों की? किसानों की तो पेंशन होनी चाहिए 50,000 रुपए महीना। अरे ले लो पहले, 50 होनी चाहिए। कि नेता जो है का कि खा रहे हैं 10-10 पेंशन, इनको का मतलब है 10-10 पेंशन खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? नेताओं की पेंशन बंद, किसानों की शुरू होनी चाहिए, नेता नहीं बंद होनी चाहिए। यानी कि बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, नेताओं की पेंशन बंद होके किसानों की होनी चाहिए। दूसरा ये नहीं, जो मंडी में किसान लेके जाता है उसको उचित मूल्य मिलता है, लेकिन यहाँ जो आम समस्या लोगों की है वो सबसे बड़ी आवारा पशुओं की है। इस वजह से मजदूरन की तो कहीं ना रहो पेंशन। आप किसान हैं? हाँ, किसान है, माले मजदूर। क्या नाम है आपका? नसीर है मेरा नाम, नसीर। आप आंदोलन में जा रहे? नहीं जा रहे आंदोलन में, हमारा तो लंबा ही ना आ रहा। ये तो मजदूर है।